सो हे इस कैसे आप हो आप सभी आशा करता हूँ अच्छे हो गए और इस नए वीडियो में आपका स्वागत है तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्टो कपलर के बारे में कि ऑक्टो कपलर क्या होता है उसका सर्किट डायग्राम देखेंगे कि किस तरह से हम ऑक्टो कपलर को यूज़ करके कि किसी सर्किट में हम लगा सकते हैं और आप इसे ब्रेडबोर्ड पर या फिर आपके पास अगर कोई सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिसमें कि आप सिमुलेट कर सकते हो तो वहाँ भी आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आप अपने सर्किट को एनालिसिस कर सकते हो कि दिस इज़ एक्जैक्टली यू वर्क और नॉट ओके अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट सो ये क्या क्या एक्जैक्टली वर्क करता है कि नहीं करता है आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सो वो चीज़ों को भी आप देख सकते हो तो आज के वीडियो में हम ऑक्टो कप्ल से ही रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो मुझे कॉमेंट करो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करो और वहाँ पर जाकर के आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो मैं आपको कोशिश करूंगा रिप्लाई देने का हमारा जो चैनल है उसका नाम ही इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब के नाम से है इंस्टाग्राम पर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है नीचे फ्लैश भी हो रहा होगा तो वहाँ पर आप देख सकते हो मुझे मैसेज करो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो या कोई भी अगर आप सर्किट डिजाइन कर रहे हो या कहीं पर अगर प्रॉब्लम आ रही है आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड चाहे आप ऑक्टो से रिलेटेड यूज करो मॉसरेट यूज़ करो कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती तो दिस टू कैन शेयर विद मी ओके मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मेरे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है कि मैं आपको गाइड कर सकूँ बट हाँ अगर आप एक डिस्कशन का मोड रखोगे आप भी मुझे कुछ भेजोगे कोई रेफरेंस भेजोगे या कोई सर्किट भेजोगे तो मुझे भी उसमें क्या होगा एनालिसिस करने का और मेरे भी पास भी जो नॉलेज है उसको और एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा ठीक है कि उससे मैं आपका भी एनालिसिस करके शेयर आपके साथ शेयर करूँ और उसके बाद मुझे भी उससे नॉलेज मिल जाएगा ठीक है तो इन सभी चीज़ों से क्या होगा टू वे कम्युनिकेशन होता रहेगा तो डैट सेट फॉर देट सो चलो हम शुरू करते हैं अपना ऑक्टो का सेशन और और बात करेंगे आज ऑक्टो ऑक्टोकप्तर वॉट इज एन ऑक्टो ऑक्टो ऑक्टोकप्त होता क्या ऑक्टो कप्तर का बेसिक काम क्या होता है आइसोलेशन का इसलिए मैं इसे ऑक्टोकप्टर को बोलते हैं ऑक्टो कप्तर ऑसो नोन एज ऑप्टो आइसोलेटर ठीक है ऑक्टो आइसोलेटर मतलब क्या हो रहा है ऑप्टिकली यहाँ पे आइसोलेट कर रहा है ऑप्टिकल ऑप्टो आइसोलेशन का मतलब क्या हुआ बेसिक कि आप दो सर्किट को डिवाइड कर रहे हो ठीक है हाँ हम मान लो लेट से कि अगर मैं ये बोलूँ कि एक मान लो ये आपके पास कोई ठीक है आ, लेट से कि ये आपका कोई एक नदी है ठीक है यहाँ पे एक नदी है और इसके बीच में एक आपने फ्लाई ओवर बना रखा है ठीक है आपने क्या बना रखा है एक फ्लाई ओवर बना रखा है आप यहाँ से जा रहे हो ठीक है आप यहाँ से एंटर करते हो लेट्स से अगर मैं ये बोलूँ कि अगर ये फ्लाई ओवर यहाँ से टूट गया ठीक है अगर इनके से आपका ये फ्लाई ओवर अगर टूट गया यहाँ से तो क्या होगा आपका ये जो आ, आ, आने जाने का जो रास्ता है वो बेसिक क्या हुआ आपका ब्लॉक हो गया अब आप इस नदी को पार नहीं कर सकते हो या तो आप नदी में तैर के जाओ या तो आप इस ब्रिज के थ्रू जाओ बट क्या हुआ अगर ब्रिज टूट गया मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि अगर ब्रिज मेरा टूट गया तो मैं नहीं जा सकता हूँ नदी की जगह आप समुद्र मान लो ये एक समुद्र है ठीक है एक समुद्र है सी है एक जिसमें कि आप नहीं जा सकते हो तैर करके ठीक है तो ये अगर ब्रेक हो गया तो क्या हुआ ब्रेक जब हो गया तो भाई सीधा सीधी बात है कि आप यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकते हो है ना तो इसी तरह से हमारा एक ऑप्टो आइसोलेटर काम करता है या ऑक्टो कब्जन हमारा काम करता है बेसिक ठीक है कि उसमें उसमें भी क्या होता है कि वो सर्किट को दो बाई सर्किट कर देता है ठीक है मतलब क्या करता है कि अगर एक साइड से अगर आपका इन खराब हुआ आ, इनका डैमेज हो गया हाई करंट या हाई वोल्टेज की वजह से तो क्या होगा आपका दूसरा साइड का आपका जो सर्किट है वो प्रोटेक्शन रहेगा इसीलिए इस ऑप्टो तो आइसोलेटर बोलते हैं बेसिकल आइसोलेटर का मतलब होता है आइसोलेशन प्रोवाइड करना और आइसोलेशन का मतलब बेसिक क्या होता है कि हमें प्रोटेक्ट करना है अपने सर्किट को जैसे कि हम डायोड लगा के भी प्रोटेक्ट करते हैं डायोड का भी एप्लीकेशन इसी तरह से मैं बोल सकता हूँ कि डायोड का काम क्या होता है करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराना होता है तो सपोज़ करो कि अगर मैं एक डायोड का सिंपल एग्जांपल लूँ तो ये हमारे पास का एक डायोड है ठीक है किसी भी सर्किट में ठीक है मान लो यहाँ पर मैंने एक सप्लाई यहाँ पर कनेक्ट कर दिया ठीक है और यहाँ पर मैं एक, चलो एक और यहाँ पर लगा लेता हूँ एक मैं रजिस्टेंस लगा के एक एल लगा लेता हूँ ठीक है अब क्या हो रहा है कि आपने यहाँ से प्लस माइनस फाई वोल्ट दिया करंट इस तरह से फ्लो किया ठीक है अब क्या हुआ आपका एल ई डी यहाँ पर ग्लो कर गया ठीक है बट जैसे ही आपने क्या किया इस सर्किट को यहाँ से हटा करके आपने क्या किया इस तरह से अगर आपने लगा दिया ठीक है माइनस प्लस अब अपने क्या किया रिवर्स कर दिया तो अब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा और ये क्या करेगा ये रिवर्स बायस में डाइवर्ट आपका अलाउ नहीं करेगा करंट को फ्लो होने के लिए जब रिवर्स बायस में करंट अलाउ नहीं करेगा फ्लो होने के लिए तो सर्किट आपका क्या हुआ ये बिहेव करेगा ऐसा ना ओपन सर्किट और जब ओपन सर्किट बिहेव करेगा तो सर्किट कंप्लीट हुई नहीं तो आपका ये एल क्या होगा प्रोटेक्ट होगा सो ड्यू टू दैट रीजन हम ऑल्सो हम यूज़ करते हैं जब बात करते हैं हम हायर सर्किट की या और भी क्योंकि ये केवल एक ही लाइन में आप लगा रहे हो इससे आप पूरे सर्किट को सेफ नहीं कर रहे हो ठीक है बट अगर कभी कभी ज़्यादा वोल्टेज आ गया तो हो सकता है आपका आगे का कंपोनेंट भी खराब हो जाए ठीक है क्योंकि एल ई डी बी का एक डायोड है तो एलईडी भी ये क्या है डायोड ही तरह काम करेगा तो भी ओपन सर्किट हो जाएगा रिवर्स बायस में बट एल का थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है उसके बारे में भी कभी डिस्कशन करेंगे कि एल की डिजाइनिंग कैसे होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है ना वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं तो ये सब चीज़ के बारे में भी हम बात करेंगे आगे चल के अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे जो कि है ऑप्टो आइसोलेटर या ऑप्टो कपलर बोल सकता हूँ ऑप्टो कपलर में होगा क्या बेसिक तो देखो ऑक्टो कपलर में हमारे पास जो होंगे लेट से कि हमारा क्या है एक मैं ऑप्टो कपलर का काफी एक्जाम्पल ले रहा हूँ इंटरनल डायग्राम दिखा रहा हूँ ठीक है एक हमारे पास होगा आई आर आई आर का काम क्या होगा बेसिक इन्फ्रा रेड प्रोवाइड करेगा ठीक है ये इन्फ्रा रेड रेज प्रोवाइड करेगा ठीक है आ, इस वाले टर्मिनल को हम क्या बोलेंगे एनोड और ये होगा हमारा कैथोड ठीक है सी या बहुत लोग के से भी लिखते हैं ओके ठीक है एक साइड हमारा क्या होगा एक साइड हमारा होगा ट्रांजिस्टर और इफ ट्रांजिस्टर को हम बोलेंगे फोटो ट्रांजिस्टर ठीक है तो ये आपका हो गया क्या कलेक्टर ये हो गया आपका इमीटर जो जनरली सिंबल हम यूज करते हैं है, वही सिंबल यहां भी होता है इस सिंबल को आपको पता है कि जो एरो वाले सिंबल होते है, उसे हैं उसे हम इमीटर बोलते हैं और जो हमारा नॉर्मल होता है वो कलेक्टर होता है और बीच में जो होता है वो हमारा बेस होता है बट तो यहां पर बेस नहीं होता है ठीक है बेस क्यों नहीं होता है क्यों क्योंकि इसीलिए हम इसे बोलते हैं दैट इज वॉट फोटो ट्रांजिस्टर दिस इज कॉल्ड फोटो ट्रांजिस्टर फोटो ट्रांजिस्टर का मतलब क्या हुआ कि जिसको बेस पे जो सिग्नल आएगा वो यूजिंग द फोटो आएगा यानी yani फोटोन के फॉर्म में आएगा है ना फोटोन के फॉर्म में इसके पास आएगा वो फोटोन कहाँ से आएगा फोटोन कहाँ से आता है बेसिक लाइट इमिट करता है जब लाइट इमिट करता है तो फोटोन भेजता है है ना तो ये फोटोन कहाँ आएगा जब ये लाइट रेस करेगा तो ये इसके पास जाएगा ठीक है थोड़ा ज़्यादा मैंने गैप ले लिया बट तो आप समझने के लिए कोशिश करो कि जब जैसे ये एल ऑन होगा तो ये बेस को एक सिग्नल देगा तो जो बेस होंगे ठीक है मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से बना देता हूँ ठीक है अब क्या होगा ये एक रीज़न मैंने बनाया जस्ट अब क्या होगा जब आपका एल ऑन होगा तो ये आपको क्या भेजेगा सिग्नल भेजेगा बेस पे। और बेस पे जब सिग्नल भेजेगा तो ये पर क्या होगा ऑन हो जाएगा तो ट्रांजिस्टर क्या होगा ऑन होगा ट्रांजिस्टर का बेसिक काम क्या होता है हम लोग मोस्टली ट्रांजिस्टर एज भी यूज होता है एज ए स्विच भी यूज होता है बट 95 फाइव परसेंट टाइम हम लोग जो ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं वो एज अ स्विच करते हैं हम ट्रांजिस्टर को बहुत ज़्यादा हम एम्प्लीफायर इधर यूज नहीं करते हैं एम्पलीफायर में जब हम, हम यूज करेंगे तो हम मोस्टली जाते हैं ओपएम के साइड में ठीक है ऑपरेशन एम्पलीफायर के थ्रू हम क्या करेंगे एम्पलीफाई कराते हैं सिग्नल को बट जब हम बात करेंगे ये सब तो ट्रांजिस्टर वगैरह तो ट्रांजिस्टर नॉर्मली स्विच की तरह ऑन होता है ट्रांजिस्टर स्विच की तरह कैसे ऑन होगा जैसे कि ट्रांजिस्टर पर सिग्नल बेस पर सिग्नल हाई आएगा ट्रांजिस्टर का एक करंट कंट्रोल डिवाइस है और एक करंट कंट्रोल डिवाइस होने का मतलब क्या हुआ कि एक मिनिमम सर्टन अमाउंट ऑफ करंट की उसको रिक्वायरमेंट है अमाल वोलेट से मैं बोलूँ थर्टी मिली एमपियर तो उसके बेस पे जैसे ही थर्टी मिली एमपियर का करंट आएगा वो ट्रांजिस्टर क्या होगा आपका एक्टिवेट होगा और कलेक्टर पे सोर्स होने चाहिए ठीक है वी तो आपको देने तो वी सी सी आपने अप्लाई किया मान लो फाइव वोल्ट आपने अप्लाई किया और जैसे ही बेस पर उसके सिग्नल आए सिग्नल को डिटेक्ट किया यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट थी थर्टी मिली एमपेयर की थर्टी मिली एमपियर जैसे आया वो आपका ट्रांजिस्टर के वो ऑन हो गया यहाँ पर दूसरी तरह से हो रहा है बट यहाँ पे क्या हो रहा है फोटोन से हो रहा है अब डेटा शीट वगैरह पढ़ोगे तो आप और क्लियर होगी बट मैं इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ ठीक है तो ये ऑन होगा अब ऑन होगा तो आगे का सर्किट आपका एक्टिवेट हो गया तो एक्टिवेट हो गया तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि आपका ये सर्किट बीच से ब्रेक हुआ अगर इन केस एलईडी को एक ऑपरेट करने के लिए मान लो 12 मिली एम्पियर की करंट की रिक्वायरमेंट है और ट्वेल्व से आप मतलब मैक्सिमम जो है वो ट्वेल्व मिली एम्पियर एक रेंज है लो ट्वेल्व से 15 मिली एम है तो लेट से कि अगर उससे क्रॉस किया तो एलईडी क्या होगा खराब होगा जब एलईडी खराब होगा तो फोटोन रिलीज़ नहीं करेगा तो रिलीज़ नहीं करेगा तो ये आपका ट्रांजिस्टर क्या होगा एक्टिवेट नहीं होगा और ट्रांजिस्टर जब एक्टिवेट नहीं होगा तो इसके आगे आपने जितने भी सर्किट लगा रखे हैं सारे के सारे सर्किट आपके क्या है सेफ है सेफ जोन में इसलिए हम ऑक्टो कप्तर को बेसिक यूज़ करते हैं और अगर मान लो यहाँ पे बहुत हाई करंट आया या बहुत मिनिमम करंट आया तो भी क्या होगा बहुत मान लो एक लिमिट से कम करंट आ गया तो लिमिट से कम करंट आ गया तो या क्या होगा आपका जो 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 ई डी है आई एल ये ऑन नहीं हुआ जब ऑन ही नहीं हुआ तो ये सिग्नल आगे भेजेगा नहीं ठीक है तो एक मिनिमम करंट के इसको रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह बात क्या होगा ये एक्टिवेट करेगा ट्रांजिस्टर ठीक है तो ये बेसिक प्रिंसिपल होता है एक चीज़ में ध्यान रखना है मैं थोड़ा सर्किट का आपको बताता हूँ कि अगर आपको कोई भी ऑपरेट करना है सर्किट तो आप किस तरह से ऑपरेट कर सकते हो ठीक है हम इसीलिए ऑक्टो को ऑप्टो आइसोलेटर भी बोलते हैं क्योंकि आइसोलेशन का ये काम कर रहा है आइसोलेशन का काम कर मतलब क्या होता है टू प्रोवाइड सेफ्टी आप सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हो बेसिक ठीक है तो मैं एक सपोज करूँ कि मैं एक एल को मेरे ग्लो कराना है ठीक है ये एक रिले ऑपरेट कराना मैं बोलता हूं कि एक मेरे को रिले ऑपरेट को कराना तो मैं कैसे करूँगा ठीक है तो मैं एक सबसे पहले एक ऑक्टो कपलर लेता हूं ठीक है एक मैं क्या लेता हूं ऑक्टो कपलर लेता हूं ठीक है और एक मैं ट्रांजिस्टर लेता हूं ठीक है फोटो ट्रांजिस्टर ठीक है ये सारे आईसी के अंदर ही होते हैं ऐसा नहीं है कि मैं अलग से इसके अंदर ले रहा हूँ ये पूरे आईसी ही है एक आपके ठीक है एट फोर सेवन आप ले लो या एट वन सेवन जो भी आईसी आप आते हैं पीसी आप देख सकते हो ठीक है चेक कर लेना ठीक है तो ये आपके क्या हो गए बेसिक एक आपको ऑप्टो का प्राइस हो गए हमेशा याद रखना कि एल क्या है एक आपका एल बहुत सेंसिटिव है यहाँ पे क्या है किया एल डी खराब हुआ मतलब काम खत्म तो इसलिए मैं एक करंट लिमिटिंग रजिस्टर्स भी यूज़ करूँगा अब आप बोलोगे सर करंट लिमिटिंग रजिस्टर क्या होता है मैंने एक वीडियो बनाई है अभी मतलब कुछ दिन पहले ही बनाई है रिसेंट की वीडियो होगी आप प्लीज़ चेक करना नेटवर्क एनालिसिस में जाना नेटवर्क एनालिसिस या वीडियो में ही देखना मेरे जाकर के चैनल चा, ओपन करना वीडियो में जाना नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना आपको मिलेगा रजिस्टर एज अ करंट लिमिटर ठीक है उस वीडियो को देखना और नहीं अगर वहाँ पर मिलता है थोड़ा नीचे चला गया हो तो आप मेरे प्ले में जाना वहाँ पर आपको मिलेगा प्ले का नाम इसका नाम है नेटवर्क एनालिसिस एंड नेट, सर्किट एनालिसिस और उसमें उसके अंदर आपको टॉपिक मिल जाएंगे ठीक है वो देखना ठीक है तो ये क्या किया मैंने यहाँ से और यहाँ से मैं क्या करूँगा एक फाइव वोल्ट की सप्लाई दूंगा ठीक है फाइव वोल्ट की मैंने सप्लाई दिया एक आर मैंने कोई सर्टन अमाउंट ऑफ रजिस्टेंस ले लिया कि मुझे चेक करने के लिए कि क्या मेरा उतने में ये काम हो जा रहा है इस वाले टर्म को मैं कर दिया गया ग्राउंड ध्यान रखना यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि दोनों साइड का जो ग्राउंड है वो सेपरेट होना चाहिए अगर आपने ग्राउंड को कॉमन कर दिया तो आपका सर्किट नहीं काम करेगा ठीक है अब ये देखो यहां से मैंने फाइव वोल्ट दे दिया यहां से एक मिनिमम करंट फ्लो किया जिसको बोलेंगे आई अब ये ट्रांजिस्टर ये आपका आई आर रेडी क्या हुआ एक्टिवेट हो गया ठीक है ये आपका क्या है ये है आपका आई आर एल ई डी और ये क्या है आपका फोटो ट्रांजिस्टर दिस इज़ योर फोटो ट्रांजिस्टर ठीक है तो ये आपका आई आई डी आई आर ई डी वो अब एक्टिवेट हो गया अब इसको एक्टिवेट करना है इसको एक्टिवेट करने के लिए मैं यहाँ पे एक वी सी सी दूँगा ट्रांजिस्टर पे जैसे कि मुझे पता होता है यहाँ पे लेट से कि मैं एक रिले ऑपरेट कराना और रिले मेरा मान लो टूल्व वोल्ट का है तो मैं यहाँ पे एक टूवेल्व वोट का सप्लाई दूंगा क्योंकि तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है अब मैं कहाँ पर लगाऊंगा यहाँ पर तो मैं रिले को नहीं लगाऊंगा ना यहाँ पर अगर मैं रिले को नहीं लगाऊंगा क्यों नहीं लगाऊंगा वन मिनट देखो यहाँ पे मैं रिले नहीं लगाऊंगा क्यों नहीं रिले लगाऊंगा यहाँ पे अगर मैं रिले नहीं लगाया यहाँ पे मैं ये मान लो मेरा एक रिले का सेक्शन है ठीक है ये मेरा क्या है रिले ये मैं रिले को यहाँ नहीं लगा सकता हूँ क्वाइल वन ठीक है और ग्राउंड कर दिया एक चलो ठीक है ग्राउंड कर दिया क्वाइल टू और यहाँ पर हमारे क्या है एनो एन सी और ये कॉमन क्या है सिंगल पोल डबल थ्रो किस तरह का ये है सिंगल पोल डबल थ्रो ठीक है अगर सिंगल पोल सिंगल थ्रो होता तो केवल एनओ या एनसी में से कोई एक होता अब मैं यहां पे नहीं लगा सकता क्यों नहीं लगाया हो सकता रिजल, रिजल, रिले अगर आपको ट्रांजिस्टर का बेसिक फंडामेंटल पता है तो आपको ये चीज़ पता है कि अगर मैं सोर्स पे लगा दिया तो भाई यहाँ से 12 वोल्ट तो वह डायरेक्ट मिल में मिली है ट्रांजस्टर में मुझे यूज़ करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ क्यों क्योंकि सोर्स क्योंकि मैंने कलेक्टर पे जब वोल्टेज अप्लाई किया है तो बाई डिफ़ॉल्ट है कि यहाँ इस वोल्टेज यहाँ से इस नोड पर भी वोल्टेज मेरा सेम हुआ इस वोल्ट पे भी इस नोड पे भी अगर मेरा वोल्टेज जब सेम हुआ तो भाई करंट तो यहाँ से फ्लो करेगा और आपको रिले को एक्टिवेट कर देगा तो फिर आपको ट्रांजिस्टर या फिर यहाँ ऑक्टोकपर लगाने का कोई मीनिंग ही नहीं बचा इतने सारे कंपोनेंट को आपने वेस्ट में यूज़ किया मतलब फालतू का आपने यूज़ किया पैसे बर्बाद किए अपने डिजाइनिंग में ठीक है इसलिए हम यहाँ पे कहीं लगाएंगे ट्रांजिस्टर ठीक है रिले को यहाँ लगाएंगे तो हम रिले लगाएंगे कहाँ हम रिले यहाँ लगाएंगे हम रिले कहाँ लगाएंगे यहाँ लगाएंगे एक रजिस्टेंस के साथ ठीक है रजिस्टेंस के साथ आर की वैल्यू अब आप देखोगे ट्रांजिस्टर जो आप यूज़ करोगे ऑक्टोकपर्स के शीट में कि हमें क्या उसके साथ कॉन्फ़िगरेशन कंफिग्रेशन ऑक्टोकपरों के साथ हमें इनपुट में क्या लगाने आउटपुट में क्या कितनी वैल्यू के रजिस्टेंस लगाने वो आपको डेटा शीट में मिल जाएंगे ठीक है कुछ भी हम नहीं लगा सकते हैं तो अब ये हुआ सर्किट बट सर्किट तो अभी इनकम्प्लीट है देखो इस वीडियो से आप सर्किट एनालिसिस भी थोड़ा सा सीखोगे अभी मेरा सर्किट इनकम्प्लीट है क्यों यहां से मेरा गया ठीक है बट ग्राउंड तो कहीं है नहीं मुझे ग्राउंड भी तो देना है ग्राउंड कहाँ मैं दूंगा यहाँ दे देता दे हूँ ग्राउंड तो पॉजिटिव निगेटिव बट यहाँ ग्राउंड देने से मुझे फायदा क्या हुआ कुछ हुआ फायदा क्यों यहाँ से हमारा सप्लाई आया इधर से तो ये हमारा आई आर एल आई आर एडी ऑन कर दिया ट्रांजिस्टर को बट ग्राउंड होने की वजह से ये 12 वोल्ट स्विच ऑन हुआ ये ग्राउंड यहाँ आ गया ये इस पाथ में फॉलो किया करंट रिले के पास तो गया नहीं तो रिले हमारा अभी क्या ऑफ है ऑफ क्यों है क्योंकि ये ग्राउंड है तो इस पॉइंट को भी इसने क्या कर दिया जीरो वोल्ट कर दिया मतलब अभी अब हमारे पास क्या जा रहा है रिले पर सिग्नल जीरो वोल्ट जा रहा है तो ये चीज़ ध्यान रखनी कभी भी इस तरह से गलती नहीं करनी है ग्राउंड कर रहे हो आप सिग्नल को लेकर के तो आपको हमेशा एक पुलर रजिस्टर यूज करना है पुलर क्यों यूज कर रहे हैं क्योंकि हम सिग्नल को यूज कर रहे हैं यहां पे एक रजिस्ट्रेंस लगा के हम यहाँ पे क्या करेंगे ग्राउंड क्यों रजिस्ट्रेंस लगाएं क्योंकि अगर हम रजिस्ट्रेंस को नहीं लगाते तो ये पॉइंट था हमारा नोड ये क्या होता है पूरा ग्राउंड हो जाता मतलब हमारा कॉइल पर कुछ जा ही नहीं रहा इनपुट क्या होता है ये ग्राउंड हो जाता है लगा दिए तो क्या हुआ कि अब रजिस्ट्रेंस जितना करंट लिमिट करेगा जिस वैल्यू की रजिस्ट्रेंस होगी उसको ये पास करेगा और बाकी करंट सारे आपके कहा यहाँ से चले जाएंगे ठीक है बाकी आई करंट यहाँ से मान लो चले गए तो आई डेस करेंट यहाँ से चले गए समझ लो इसलिए हम यहां पर रेजिस्टेंस लगाए हैं कि रेजिस्टेंस इसलिए लगाएं अगर रजिस्टेंस नहीं लगाते तो ये नोड ग्राउंड होता और ये आपका ट्रांजिस्टर ऑन होने के बाद भी है ना ये ट्रांजिस्टर ऑन होने के बाद भी ये ग्राउंड से होता तो ग्राउंड में ही मिल जाता तो आपको इस सर्किट का भी कोई मीनिंग नहीं बनता तो रजिस्ट्रेंस इसे लगाएं कि करंट लिमिट करेगा कुछ करंट इधर भेजेगा जो रजिस्ट्रेस के अकॉर्डिंग और बाकी के करंट सारे आपको रिले को भेज देगा जितना रिले को रिक्वायरमेंट होगी और आर की वैल्यू आपने क्या लगाई है ठीक है आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी कर सकते हो नेटवर्क एनालिसिस का पार्ट है केसील के लिए लगा के आप कर सकते हो आपको डायोड का पता है कि डायाउट का कटिंग वोल्टेज क्या ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या होता है ट्रांजिस्टर का क्या वोल्टेज होता है लेवल है ना ये सब आपको पता है अब क्या हुआ ये कॉइल आप कौन होगा बट कॉयल टू को भी तो ग्राउंड कर करना तो ये ग्राउंड को आप यहाँ से कॉमन कर सकते हो ठीक है इस ग्राउंड को लेकिन ये ग्राउंड और ये ग्राउंड कॉमन नहीं होगा मतलब मैं इसको बोलूँ ग्राउंड वन इसको अगर बोलूँ ग्राउंड टू तो g1 डज नॉट सेम टू g2 यानी g1 और g2 एक साथ नहीं होगा नॉट इक्वल टू लगाया मतलब बराबर नहीं होंगे दोनों सेम नहीं होंगे नॉट सेम यहाँ पे लिख लो आप ठीक है नॉट सेम ग्राउंड के आपके सेम नहीं होने चाहिए ग्राउंड दोनों डिफरेंट होंगे अब क्या होगा अगर ये मान लो आपका एल खराब हो गया तो भाई आगे का सर्किट काम नहीं करेगा क्यों काम नहीं करेगा क्योंकि फोटो देगा नहीं सिग्नल तो आपका ऑक्टो कपलर ऑन ही नहीं होगा तो ये सर्किट आपका सेफ है समझना ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑक्टो कपलर को क्यों यूज़ कर रहे हैं ऑक्टो कपलर का इस पर्टिकुलर चीज में एप्लीकेशन ही है आप बोलोगे कि सर हमने इस पर भी सप्लाई दी इस पर भी दी तो ये तो ऑन होगा लेकिन नहीं होगा क्यों क्योंकि ट्रांजिस्टर को चाहिए बेस पे वोल्टेज बेस पे क्या चाहिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट चाहिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट चाहिए बेस पे लेकिन क्या हुआ एल अगर आपका ख़राब हो गया हाई वोल्टेज की वजह से तो गेट पे तो इसका जो गेट है ठीक है या इसका बेस बोलो ट्रांजिस्टर में बेस होता है सॉरी मॉसफेट में गेट होता है और जेफेट में गेट होता है इसमें जो स, इसका बेस है बेस पे जब सिग्नल आएगा नहीं तो ट्रांजिस्टर ऑन होगा नहीं और ट्रांजिस्टर ऑन होगा ही नहीं तो ये स्विच बिहेव करेगा ट्रांजिस्टर एज एन ओपन सर्किट और जब ट्रांजिस्टर बिहेव करेगा एज एन ओपन सर्किट तो ये सर्किट आपका पूरा सेफ है आगे का साइड आगे का पूरा सर्किट कैप का सेफ है और ये साइड इसलिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट और ये सब चीजों की रिक्वायरमेंट होती है तो बेसिक मैंने आपको ऑक्टो कपलर के बारे में समझा दिया कि किस तरह से करना बाकी आप एनोजेंसी कॉमन ही रिले लगाया इसी तरह से आप एल भी यूज कर सकते हो आपको जो भी यूज करना है आप यूज कर सकते हो फॉर आइसोलेशन क्यों क्योंकि अगर यहां जहां आई खराब हुआ आपका आगे का सर्किट सेफ रहेगा मान लो यहाँ पे से दस एम करंट आ गया मान लो इसको चाहिए था दस मिली एमपियर यहाँ से दस एम का करंट आ गया पचास वोल्ट किसी ने लगा दिया ए तो चलता है क्योंकि ऑक्टो कपलर एसी में भी काम करेगा आप एसी सिग्नल भी दे सकते हो ठीक है टेन

आपका आगे का सर्किट पूरा सेफ हो गया तो इस परपज़ से हम क्या करते हैं बेसिक हम ऑप्टो कपलर को यूज़ करते हैं ठीक है तो आशा करूँ आपको ऑप्टो कपलर का समझ में आया होगा और किस तरह से यूज़ करते हैं बाकी आप सिमुलेट वगैरह करके चेक कर सकते हो अगर आपके पास नहीं भी है तो आप दो तीन रुपये का बीस रुपये का खर्च ऑन एवरेज में बताता हूँ मैक्सिमम बता रहा हूँ बीस रुपये का खर्चे दो तीन रुपये का एक एल आएगा पर एक दो रुपये का आपका रजिस्टर आएगा इस तरह से आप करके ऑपरेट कर सकते हो चेक कर सकते हो ठीक है तो चलो मिलूंगा अगले वीडियो में तो तक लेकिन बाय टेक केयर थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज सब्सक्राइब टा यूट्यूब चैनल थैंक यू